चैनल एआर इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी रेनो या ओप्पो का कोई भी मॉडल को आप लॉक कैसे तोड़ते हैं। और तोड़ने के पहले ये ध्यान दें कि अगर कोई भी सेट आता है आपको लॉक तोड़ने के लिए, तो उसका आप डाटा, मतलब कोई भी जो भी सेट लाते हैं उनका डाटा डॉक्यूमेंट ले लें, उसमें मोबाइल नंबर अपना इनबिल्ड कर लें, जिनका मोबाइल जो जिसने दिया है उनका मोबाइल नंबर और जो भी है उनका पूरा डिटेल्स ले लें, और IMEI नंबर को उस पर आप लिख लें, और उसके बाद सिग्नेचर और मोबाइल नंबर जरूर लें, ठीक है, तभी आप लॉक तोड़ें, ठीक है। तो अभी जो ये अभी FRP बाईपास लगा हुआ है, जैसे ही जाएंगे आगे तो नेक्स्ट जाकर फिर फंस जाएगा, और फिर जाने के बाद डाउन कॉपी सब करते रहिएगा, तो इसके बाद क्या होगा कि फिर आपको वही स्टेज पर चलाएगा कि आपका FRP में फंसा रहेगा, मतलब जीमेल आपका नहीं, जब तक इसमें जीमेल जो प्रॉपर लगा हुआ था पहले वो आपका बिजार्ड में जो जीमेल चल रहा था, बिजार्ड में अगर वो जीमेल नहीं दिया जाए तो ये क्या होता है, लॉक कर देता है जब तक वो जीमेल नहीं डालते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि अभी जा रहे हैं कि इसे अनलॉक टूल के द्वारा अभी अनलॉक करने, तो देखिए अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे आपको अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अनलॉक टूल को ओपन कर लेना है, और अनलॉक टूल के ओपन करने के बाद क्या करना है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आप ड्राइवर पहले से इंस्टॉल करे हुए हैं या नहीं है, तो देख लें, अपडेट उसे कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट काम करें। तो देखिए अभी जो मेरा अनलॉक टूल है अभी ओपन हो रहा है, तो अभी ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, हम प्रॉपर अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और अगर किसी भी जानकारी को आपको लेना है तो आप मेरे साइट पर जाकर आप देख सकते हैं, गूगल पर भी आप मैप पर देख सकते हैं, मेरा डाला हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हैं यार इन्फो मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट, तो उस पर आप करके देख लें, उसके बाद आप प्रॉपर जो भी काम कर रहा है वो आप करें, ठीक है। तो और किसी भी जानकारी के लिए आप मेरा दिए गए चैनल पर आप जाकर मैसेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या करना है या न करना है। तो आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है वो बताता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ आपको हो रहा है, उसके बाद देख रहे हैं लॉगिन हो जाने के बाद देखिएगा, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको मॉडल जो ओप्पो का है, ब्रांड जो ब्रांड आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो ओप्पो ब्रांड पर जाना है, उसके बाद ओप्पो पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सर्च कर लेना है जो मॉडल को आपको FRP बाईपास करना है। तो अभी मेरे पास रेनो का है, रेनो का F2 है, तो रेनो देखिए रेनो का 2F है, तो रेनो का 2F में क्लिक कर लेना है। एक देख रहे हैं मेटा दिखा रहा है, एक ऑथ दिखा रहा था, मेटा में आपको केवल EMMC आपको फ्लैशिंग ये सब करना होता है तब होता है। उसके बाद 2F यहाँ दिखा रहा है, रेनो 2F का है जो आपका 1989 के नाम से है, MediaTek MT6771 है, तो इसमें देख रहे हैं कि आपका इरेज FRP है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये मोबाइल है इसको क्या करना है कि ऑफ कर लेना है। आपको ऑफ करने के बाद क्या करना है, आपको ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड डाउन को दोनों साथ एक साथ प्रेस करे हुए रहना, और डाटा केबल को इंसर्ट कर लेना है, मतलब लगा देना है, उसके बाद देखिएगा आपका पोर्ट बना लेगा। तो अभी देख रहे हैं कि मेरे पास जो है सेट उसका मतलब FRP करने वाला है, अभी दोनों प्रेस दोनों वॉल्यूम अप एंड डाउन को दोनों को एक साथ प्रेस करके और डाटा केबल लगा रहे हैं, उसके बाद देखिएगा आपका क्या होगा, पोर्ट बना लेगा। देखिए यहाँ आपका 1633 के नाम से आपको 2016-33 के नाम से बनाया, उसके बाद देखिए आपको हो गया है, इसके बाद देखिए इरेज FRP आपको क्या कहा ओके कर दिया, तो आपका ये हो गया, आपका डन हो गया FRP, और ये ऑटोमेटिक आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपको सेट हो जाएगा जो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद देखिएगा आप ये डाटा केबल लगा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऑन होने के बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट करते जाइएगा, जो पहले FRP लगा हुआ था वो अब इस पर नहीं रहेगा, क्योंकि FRP आपका क्या हुआ कि इरेज हो गया, FRP अनलॉक हो गया है, तो अब इसके बाद प्रॉपर है जो सेट क्या होगा ऑन हो जाएगा। अभी देखिए ऑन हो रहा है सेट, इसके बाद दिखाते हैं मैं कैसे नेक्स्ट करते जाना है। उसके बाद आपको देखिएगा अभी ये मॉडल था आपका 2F था, रेनो का 2F था, ठीक है। तो और कोई भी सेट आता है तो वैसे ही आपको नियम के अनुसार करना है, इसके बाद नेक्स्ट करते जाना है। आप जैसे जैसे नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका यहाँ आपको मांगेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है।
ठीक है, नेक्स्ट अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद फिर देखिए डॉट कॉपी जैसे वो आ रहा था उसके बाद आपको नहीं देगा नेक्स्ट, ठीक है डॉट कॉपी, उसके बाद जैसे ही जैसे नेक्स्ट करते जाइएगा चेक इन्फॉर्मेशन, ठीक है स्किप 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 करते हैं, पहले था जो स्किप करने का ऑप्शन नहीं आता था और उसके बाद आप देखिए आप नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब ये आपको लगाना है या नहीं लगाना है लेटर, उसके बाद आ रहा है साइन इन, कोई जरूरी नहीं है तो नहीं करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट करते चल जाना है आपको, नेक्स्ट 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 आपको देखिए ये स्किप सॉरी आप कर सकते हैं नहीं कर सकते गेट स्टार्ट। उसके बाद देखिए आपको ये सेट है जो प्रॉपर ऑन हो गया, मतलब FRP आपका क्या हो गया बाईपास हो गया है, ठीक है। तो देखिए अभी आपका FRP में जो फंसा हुआ था आपको FRP अनलॉक हो गया। तो अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको जो जो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपको जो भी आपका अपडेट दिया जाएगा।